हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ जो NBS का रिजल्ट आया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो आपका DV कैसे होता है, इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना दिया था। तो उसके जितने भी कमेंट आए थे, मैं उनका आपको इस वीडियो में जवाब देने वाला हूँ फटाक से। तो आप इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। और उसके बाद भी अगर कोई आपका कोई डाउट है तो इंस्टा पर पूछ सकते हैं मैसेज करके। काफ़ी सारे स्टूडेंट वहाँ पर जुड़े हुए हैं और जो फॉलो करके पूछता है, मैं उसी का रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। तो एक बार फॉलो करें, उसके बाद कोई भी आप क्वेश्चन वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट जो है डेली वहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या टेलीग्राम पर भी आप पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, आपके जो भी डाउट है मैंने यहाँ पर ले लिए। वैसे मैंने इस वीडियो में पूरे क्लियर कर लिए थे। आपने अगर फिर भी नहीं देखा है DV में कैसे होता है, कैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, कैसे क्या होता है, तो इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो आपके कमेंट मैंने बोला था, मैं रिप्लाई दूंगा जरूर, तो मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये नाइस लिखते हैं, तो ठीक है। दिनेश कुमार लिख रहे हैं, NBS LDC 2019 का फाइनल रिजल्ट आने का पीछे क्या कारण है? 2022 का प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, 2019 का क्यों नहीं? तो भाई, अब ये तो NBS वाले ही जाने कि क्या प्रोसेस है। हमसे ये बोला गया है कि जुलाई के एंड अगस्त के फर्स्ट वीक तक आया, ठीक है। इसके बाद जो लिखते हैं, ये लिखते हैं आरजू मिश्रा, मैं सेल्पर का स्किल टेस्ट का हुआ। तो दोस्त बता दूँ, जैसे ही मुझे लगता है कि जब इनका जो DB है, जो MTS वगैरह वालों का, ये ASO है ऑडिट असिस्टेंट का, जिनका जब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको कुछ नोटिस यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे ही आएगी मैं अपडेट कर दूंगा, चैनल पर बने रहें। इसके बाद ये लिखते हैं RTG LDC 2019 का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? तो मैंने बोला जुलाई एंड या अगस्त के फर्स्ट वीक में 100% आने की श्योरिटी दी है NBS वालों ने। इसके बाद अंकित दुबे लिखते हैं यहाँ पर, दोस्तों ऐसा करता हूँ, आपको ये थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है ना, थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है, क्योंकि जब एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाते हैं थोड़ा हो जाता हो। तो अंकित दुबे लिखते हैं, सर अभी जो NBS की वैकेंसी में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में गलती से यस सेलेक्ट हो गया है, अब करेक्शन लिंक भी नहीं आ रहा है, तो DV में क्या दिक्कत होगी? तो दोस्तों, जब आपने डिजायरेबल में क्वालिफिकेशन में क्लिक किया है, तो आपके पास वो होना चाहिए, है ना। अगर नहीं होता है तो अब वो उनके ऊपर है कि वो सेलेक्ट करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता अंकित जी, और फॉर्म करेक्शन का रिगार्डिंग ऐसा कुछ यहाँ पर होता नहीं है, ठीक है। चलिए, इसके बाद सोनू गुरी लिखते हैं, सर मेरे पास करंट का EWS है, बट फॉर्म फिल करते टाइम का नहीं है। नोटिफिकेशन में दिया था कि फॉर्म फिल करते समय EWS प्रोसेस में होना चाहिए, तो क्या मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा? और प्लीज़ बताएं सर। तो देखिए, वहाँ पर नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, और जो आपका DV आया, कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2021-22 का आपका बना होना चाहिए। अगर इस टाइप से उस पर लिखा है तो आपको वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर नहीं लिखा है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आपको हो सकती है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं ये NBS वाले कि आपको लेते हैं या नहीं लेते, ठीक है। चलिए, अगला लिखते हैं, सर बताइए कि NBS MTS में ट्रेनिंग क्या होता है और ट्रेनिंग में कितने दिन की होगी? तो दोस्तों, NBS MTS में ट्रेनिंग किस चीज़ की, मतलब MTS है उसमें ट्रेनिंग कुछ नहीं होती, डायरेक्ट आपको जाना है, ज्वाइन हो जाएंगे और सीधे काम करने लगेंगे, ठीक है। ट्रेनिंग वगैरह का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो लिखते हैं अगला है कि थोड़ी एक मिनट उसकी ब्राइटनेस बढ़ाऊँ, उसकी मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ाने चलते हैं अपन, इससे आपको क्या क्लियर दिखेगा थोड़ा, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद ये लिखते हैं A2Z1, सर अभी आप कौन सी जॉब करते हो, आप NBS में परमानेंट एम्प्लॉय हो गया? तो ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, ये नवनीत कुमार लिखते हैं, टाइपिंग में बैक स्पेस यूज़ होता है या नहीं, और स्पीड कितनी मांगते हैं, प्लीज़ कमेंट। तो दोस्त, मैंने टाइपिंग के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप देखते नहीं हो आप लोग, और मेरे NBS की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने अपने चैनल पर, अगर आप उसमें जाएंगे ना तो कम से कम 150 से ऊपर वीडियो है टाइपिंग के ऊपर, कम से कम ज़्यादा नहीं मिलना 10 से 15 वीडियो मिलेंगी, आप देखते नहीं हो तो उसको आप देख सकते हैं। और हालांकि मैं जल्द आज नहीं तो कल मैं 100% आपको एक वीडियो दूंगा टाइपिंग, एक्चुअल टाइपिंग बताऊंगा कौन सी वेबसाइट से आप कर सकते हैं, बिल्कुल मतलब वेबसाइट के NBS के सॉफ्टवेयर पर ले जाऊंगा आपको, जो वहाँ पर होता है आपको यूज़ करने दिया जाए, ठीक है। और कीवर्ड वगैरह भी बता दूंगा कौन सा होता है, ठीक है। तो लाइव उसके लिए आप बने रहिएगा चैनल पर। शुभम गुप्ता लिखा, कास्ट सर्टिफिकेट हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए? किसी में भी होना चाहिए दोस्त, ठीक है, बस वैलिड होना चाहिए, OBC का 6 महीने से पुराना नहीं, और EWS का मैंने बता दी 21-22 का फाइनेंशियल ईयर का। विक्रांत सिंह लिखते हैं, सर PWD का VH कैटेगरी का डॉक्यूमेंट बताएं प्लीज़। तो देखिए, PWD का क्या है, बस आपका बस एक चीज़ वहाँ पर आपको जो जैसे आपका वो आएगा ना एडमिट कार्ड, उस पर लिखा होगा सारी चीज़ें, और वैसे मैंने बता दिया, बाकी PWD का सर्टिफिकेट लगेगा एक्स्ट्रा में, बस हो सकता है इतना, और बाकी कुछ नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद ये सिंचन गेमरडी लिखते हैं, सिंचन बहुत बढ़िया, ये बताओ भाई कि EWS का फॉर्म हर किसी को जरूरी है या सिर्फ उसी को जरूरी है जो EWS से अप्लाई किया था? तो दोस्त, जिसने EWS से अप्लाई किया था कि सिर्फ उसी को जरूरी है, ठीक है ना, आपने जिस कैटेगरी से अप्लाई किया उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, GS सर मैं सेल्पर का जरूर डालना, कब होगा स्किल टेस्ट? तो दोस्त, मैंने बता दिया, जैसे ही इनका जो DV प्रोसेस हो जाएगा, 4 अगस्त को हो जाएगा, तो उसके बाद आपको कुछ अपडेट देखने को मिल सकती है, ठीक है। रवि सर आप लिखते हैं, DV में OBC सर्टिफिकेट लेकर जाना है या टाइपिंग में समय OBC सर्टिफिकेट? तो दोस्त, DV में लेके जाना है आपको टाइपिंग सर्टिफिकेट, OBC टाइप मतलब जब आपका डॉक्यूमेंट होगा उसमें ले जाना, ठीक है, टाइपिंग में नहीं ले जाना।
इसके बाद ये लिखते हैं अजय दिवाकर की सर इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का स्किल टेस्ट कब कब हो सकता है। तो दोस्त बता दिया मैंने कि जैसे ही इनका जो DB है वो प्रोसेस में हो जाएगा उसके बाद कुछ अपडेट देंगे, वो 5 दिन 10 दिन हो सकता है 15 दिन भी ले लें, पर उसके बाद ही जो भी होगा आपका होगा, ठीक है। अंकेस लिखते हैं कि सर 10th 12th के पासिंग सर्टिफिकेट वगैरह लगते हैं क्योंकि मुझे तो सिर्फ मार्कशीट मिली थी। तो दोस्त बता दें, देखिए 10th का जब आपका एक आता है 10th के मार्कशीट पर अगर लिखा है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट तो आपका वैलिड होगा। अगर 10th जैसे मैं MP बोर्ड से हूँ तो 10th में क्या है, दो दो तरह की मार्कशीट मिलती है, एक मार्कशीट होती है, एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपका फोटो लगा होता है। 12th में एक ही चीज़ मिलती है जिसमें लिखा होता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और बाकी आप स्कूल में जाके एक बार कंफर्म कर लेना कि सर सर्टिफिकेट वगैरह क्या इसी में इंक्लूड है या अलग से, क्योंकि वो सर्टिफिकेट मांगते हैं, बिना सर्टिफिकेट के आपकी मार्कशीट वैलिड नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, ये एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है। चलिए, योगेश तिवारी, एक कैंडिडेट का कितने ऑफिसर वेरीफिकेशन करते हैं? तो कम से कम 3 ऑफिसर जो है वहाँ पर वेरीफिकेशन करते हैं, मिनिमम 2 तो होती है, जहाँ तक 3 करते हैं, ठीक है, तीन लोग करते हैं। NBS में सेल्फ ट्रेड स्किल टेस्ट कब होगा? तो मैंने बता दिया अभी, ठीक है। और ये लिखते हैं आशीष ठाकुर कि सर OBC में क्रीम के लिए कौन सा सर्टिफिकेट चलेगा, रेड है भाई? तो देखिए, इसमें आपको वो प्रो फार्मा दिया गया था, नीचे आप देखेंगे नोटिफिकेशन तो वहाँ मिल जाएगा, और वो और बाकी फिर आप जिस पे बनवाने जाएंगे वहाँ बता देगा, वो सेंट्रल वाला लगता है आपका, ठीक है, तो वो पता चल जाएगा आपको। और ये VV मोटिवेशन लिखते हैं NBS JNV की टाइपिंग कब होगी? तो मैंने बता दिया, इसके डॉक्यूमेंट के बाद ही आपका कुछ अपडेट होगा, ठीक है। चंदन लिखते हैं सर NOC नहीं है क्या? NOC क्या है? तो NOC उनके लिए है जो कि जॉब करते हैं कहीं पे प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब जो भी करते हैं, और उसको छोड़ के आप इस NBS की वैकेंसी में आने वाले, तो वहाँ पर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना होता है जो जॉब करते हैं उनके लिए, ठीक है, बाकी किसी के लिए नहीं है। शिवानी पटेल सर, मेरा MTS का शिवानी पटेल, ये शायद इंस्टाग्राम पर भी इन्होंने पूछा था, ठीक है, 12th 2 बार कर लिया तो मैंने उनका रिप्लाई दे दिया था, ठीक है, आप भी पूछ सकते हैं। कमलेश त्रिपाठी लिखते हैं NBS LDC 2019 का क्या क्या कुछ पता है? तो मैंने बता दिया, ठीक है, ऊपर बता दिया था। चंदन लिखते हैं कि प्लीज़ पर्सनली समझा दीजिएगा प्लीज़। अब ये क्या चीज़ बोल रहे हैं भाई, आप बताइए तो आप इंसाफ पर आ सकते हैं, ठीक है। नीति कुमार लिखती हैं NBS JSE की टाइपिंग, तो मैंने अभी बता दिया कि इसके बाद ही कुछ प्रोसेस होगा। राजेश संतोष कर लिखते हैं मैं सेल्फ का स्किल टेस्ट कब होगा? तो मैं बता दूं, मैथ हेल्पर का स्किल टेस्ट अभी बताया था मैंने, ठीक है। इसके बाद और नीचे चलते हैं कि मैथ हेल्पर का स्किल के लिए वीडियो बनाएं, तो मैथ हेल्पर के लिए चलिए मैं एक वीडियो बना करता हूँ क्या क्या होता है मैथ हेल्पर में, कैसे क्या, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा फिर शायद ये लिखते हैं भाई, और देखता हूँ मैं भाई, OBC एंड नॉन क्रीमी लेयर के लिए सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का जैसा होता है वो चलेगा, या फिर नोटिफिकेशन में दे रखा है वो चलेगा, वो वाला ही चलेगा। देखिए, नोटिफिकेशन में जो दे रखा है और गवर्नमेंट का जो बनाता है उसमें सिमिलैरिटी होना चाहिए, ठीक है ना, बाकी उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बस उसी प्रोफॉर्मा पर होना चाहिए, एक बार आप देख लेना उससे मेल करके, ठीक है, तो बता देंगे, वो बता देंगे सेंट्रल वाला लगता है, ठीक है। वैसे आप उसमें बनवाइएगा तो जाके देख सकते हैं आप। NBS LDC रिजल्ट 2019 कब आएगा भाई? तो बता तो दिए भाई। लालू भैया लिखते हैं NOC कैसे बनता है? तो NOC आप जिस भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट में जॉब करते हैं वहाँ पर उनके जो हेड वगैरह होते हैं वो आपको बना के दे देंगे कि हमें कोई दिक्कत नहीं है आपसे। सर NBS रिक्रूटमेंट के फॉर्म फिल्म में गलती हो गई थी, करेक्शन में लिंक आएगा या नहीं? तो करेक्शन का लिंक नहीं आता दोस्त, मैं बता दूँ, ठीक है। अंकित दुबे ने भी ऊपर पूछा था अभी सवाल, किसी भी प्रकार का कनेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं कि NBS इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का स्किल टेस्ट कब आएगा? तो मैंने बता दी, इसके बाद हो सकता है भाई, कहाँ से हो, मैं भी उसकी वेटिंग कर रहा हूँ, तो जल्दी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, इसके बाद मतलब डॉक्यूमेंट के। इसके बाद हीरो राजा लिखते हैं कि सर मेरा CBT एग्जाम का एडमिट कार्ड नहीं है, क्या करूं? तो आपके देखिए ईमेल आईडी वगैरह कहीं पे पड़ा होगा, ठीक है, शायद आपने PDF वगैरह डाउनलोड करी है तो वहाँ पर मिल सकता है वैसे, ठीक है, एक बार देख लेना चेक करके, अगर नहीं है तो फिर बाकी उनको बोल सकते हैं आप जाके, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं करेंगे, फिर भी अगर मिल सकता है तो ढूंढ लीजिएगा। अविनाश विश्वास लिखते हैं कि भैया मेरे पास गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का SC सर्टिफिकेट है, तो अभी क्या करूं? तो वेस्ट बंगाल का है ना, तो उसमें एक सेंट्रल का ही बनता है, आप वहीं पर जाएंगे तो वो बना देंगे आपका, जो भी जहां पर भी डॉक्यूमेंट वगैरह बनते हैं वहां जाएंगे, मुझसे बोलना मैं सेंट्रल वाला चाहिए तो वो बना देंगे, ठीक है। आनंद कुमार सोनी, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट लगेगा या सेंट्रल जॉब है? किसी ई मित्र वाले से कॉन्टैक्ट करो, बता देगा। अच्छा, रिप्लाई आनंद कुमार सैनी, सर आपका नंबर दीजिएगा, सर भाई नंबर तो नहीं मिलेगा, इंस्टा पर आप आगे पूछ सकते हैं, ठीक है। अविनाश विश्वास बोलते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट अलग होता है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग, यूट्यूब पर सर्च कर लो, हाँ भाई अलग होता है, आनंद कुमार सही बोल रहे हैं, ठीक है। और सर मैं सेल्पर का भी बताओ प्लीज़, तो बता तो दिया भाई आपका, ठीक है, कि अभी इसके बाद कुछ भी प्रोसेस आएगी। इसके बाद बोलते हैं मैं सेल्पर का ट्रेड टेस्ट कब होगा? तो मैंने बता दिया कि इसके DB हो जाएगा उसके बाद। भैया मैं OBC कैटेगरी से हूँ, पर मैंने फॉर्म जनरल कैटेगरी से, तो मुझे जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता हुई, तो मैंने इनका आंसर दे दिया कि नहीं होगी क्योंकि आपने उससे अप्लाई किया, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का स्किल टेस्ट कब होने की संभावना? तो मैंने बता दिया अभी इसके बाद ही होगा, जो भी होगा भाई। कैसे हो मैं भी उसके, चलो ठीक है, और आफ्टर क्लास भाई, अल्टर क्लास, ठीक है तुम्हारे भाई, ये तो अच्छा है, रिप्लाई में खेल रहे हैं एक दूसरे के। तो रिजल्ट ये पूछ रहे हैं भाई कि रिजल्ट आ चुका है क्या? अटेंड भाई कहाँ सो रहे हो, रिजल्ट तो नहीं आया है, इसकी शायद लिस्ट आई, ठीक है, रिजल्ट लैब अटेंडेंट का शायद आ चुका है मेरे ख्याल से, ठीक है ना, आप देख लेना, उस वाले में आया था, JSA वाले में है ना,
मेरे को इतना याद नहीं है। अब विजय हैप्पी लिखते, मैंने हरियाणा बोर्ड से 10th 12th की थी, मेरे पास ओनली मार्कशीट है। तो आप एक बार स्कूल से जाके करें या फिर आपकी मार्कशीट पर देख लेना, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा हुआ है तो वैलिड करेंगे। एक बार आप जाके देख सकते हो, वो बना के देंगे आपको सर्टिफिकेट बकायदा। ठीक है, मेरे सामने ऑफिसर ने बोला था कि अगर आपके पास नहीं है तो वो एक दो दिन का टाइम भी दे रहे थे कि आप जाइए स्कूल से सर्टिफिकेट बनवा के लाइए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सर्टिफिकेट वो मांगते हैं, 100% मांगते हैं। चलिए बाकी ब्रो चेक इंस्टा DM, तो मैंने उनको शायद रिप्लाई दे दिया था। ठीक है, इंस्टा को नहीं चेक कर रहे हैं, बस मांग लेते हैं भाई, मैंने कर दिया होगा। ठीक है भाई, आपका नंबर तो नंबर तो ये आपके यहाँ पर पूरे कमेंट हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कर देना, मैं अगले सेशन में उसका जो है आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, बाकी कोई भी सॉरी यार, बाकी कोई भी आपका मतलब क्वेरी है तो इंस्टा पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।